तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी बैंगन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए ना तो आपको बैंगन को भूनना पड़ेगा और ना ही बैंगन को बॉईल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के बैंगन को इस तरह से कट करके पानी में रख लिया है ताकि जो बैंगन है वो काला ना पड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। एक हैवी बॉटम पैन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें एक एक करके हम सारे बैंगन के स्लाइसेस को ऐड कर लेंगे। सभी बैंगन के स्लाइसेस को एक ही बारी में ऐड करना है और इसे हम इसी तरह से पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने लिड लगा ली है, कुछ देर इसे हम स्टीम में पकने देंगे और लगभग 3-4 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं जो बैंगन है थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम लगभग 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे और आप देख सकते हैं बैंगन एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका कलर भी एकदम से चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम जो गैस है उसे बंद कर लेंगे और इस पैन को यहाँ से हटा देंगे और अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स डाल देंगे, फिर इसमें 1 चम्मच हम कलौंजी सीड्स डाल देंगे और 1/4 चम्मच के अराउंड हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना, फेन्युग्रीक सीड्स। आप चाहें तो आप यहाँ पे सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सौंफ का पाउडर यूज़ करूँगी इसीलिए मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड नहीं की है। अब जब क्यूमिन सीड्स क्रैकल करें तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच गार्लिक का, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। अब जब तक गार्लिक गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए हम इसे पकने देंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया था। और जैसे ही प्याज हमारा अच्छे से पक जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। वो अब जो प्याज है हमारा वो पूरी तरह से फ्राई हो चुका है तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें ग्राइंड कर लिया था। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब टमाटर ने अपना पानी लूज़ कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले और एक एक करके इसमें हम डाल देंगे पहले सौंफ मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला भी। चाट मसाले का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो वो भी आप ज़रूर ऐड करें। अब लिड लगा के इसे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाएं। तो अब जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1/4 कप स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियन ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए स्प्रिंग अनियन ऐड करना आप स्किप ना करें। अब बारी आती है इसमें बैंगन ऐड करने की। तो बैंगन हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, उन्हें अभी हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं हमारे मसाले के वो बैंगन में भी आ जाएं। तो अब हम लिड लगा के बैंगन को लगभग 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हम लोगों का जो बैंगन का भरता है वो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इस स्टेज पे इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून बटर का। बटर से ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी लगता है तो वो भी आप ज़रूर ऐड करें। अब इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और अब जो हमारा बैंगन का भरता है वो बन के एकदम से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसमें धनिया ऐड करने की। तो धनिया ऐड करने के बाद में एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी टेम्पटिंग रेसिपी लग रही है ये। तो अब आप इसे सर्व कर सकते हैं राइस के साथ में, रोटी के साथ में या परांठे के साथ में। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।